नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद में आज हमारे साथ हैं बड़ौदा के दो जुझारू नेता। जी हाँ, युवा नेता हैं, कांग्रेस से हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं और बड़ौदा में कुछ भी हो रहा हो अपनी आवाज़ बुलंद करने में वो नहीं चूकते। मैं आपका सबसे पहले परिचय कराता हूँ नरेंद्र रावत जी से, और हमारे साथ बैठी हुई हैं अमी रावत जी। तो सर, ये जो आज का हमारा इंटरव्यू है, हम राजनीति की बात तो करेंगे ही, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि फिल्म अभिमान देखा है आपने? जी। फिल्म अभिमान में क्या होता है कि दो लोग एक ही क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और उन लोगों में एक होड़ लग जाती है कौन आगे बढ़े। तो क्या इतने वर्षों का सार्वजनिक जीवन जीने के बाद इस तरह का कुछ भी मतभेद या मनभेद आप लोगों के मन में कभी आया है क्या? एक बात बताना चाहूँगा कि अभिमान पिक्चर में जो बातें थी, ऐसे हस्बैंड वाइफ में अगर सही पॉलिटिकल करियर यानी कि दोनों का करियर एक सा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर सयाजीगंज विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से दो नाम गए थे, एक मेरा नाम था और इनका नाम था। तभी पार्टी को डिसाइड करना था कि किसको टिकट देना चाहिए, मगर हम दोनों नक्की कर रहे थे कि हमें दोनों में से किसको लेना है। मगर उसी टाइम पर हमें ऐसा नहीं लगा था, वी डिस्कस पॉलिटिकल थिंग्स। हमारा एक बेनिफिट ये है कि हम कॉलेज टाइम से साथ में हैं, वी बोथ हैव स्टडीड टुगेदर, तो हमारा मेंटल दोनों का जो समझने की ताकत है और जो करियर को समझ के राजनीति को कैसे लेना चाहिए वो हम समझदारी से करते हैं। मगर कभी बातें करते हैं तो वो होता है कि हमें करना चाहिए, कभी मजाक भी कर लेते हैं कि भाई मैं लड़ूंगी MLA या मैं लड़ूंगा MLA, तो मुझे क्यों चांस नहीं देने का, मेरा चांस है। फिर डिस्कस करते हैं कि भाई देखो, राजनीति में यू हैव अ बेटर चांसेस इन फ्यूचर, मैं उस स्टेज पे हूँ कि जहाँ पर मुझे अभी ले लेना चाहिए, आपके फ्यूचर में अलग अलग स्टेप आएंगे तो उसके बाद आप कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल करियर में आज की बात करें कि अभी भी नेक्स्ट विधानसभा आएगी चुनाव, उसके बाद पार्लियामेंट की चुनाव आएगी, हर एक चुनाव में हम दोनों प्रत्याशी रहने ही वाले हैं। हर बार हम बड़ौदा शहर में दो सीट के लिए चुनाव होगा, हम दोनों समकक्ष हैं। इनका एक बेनिफिट है कि महिला है तो उनका भी एक अलग बेनिफिट है, मगर हम दोनों साथ में ही भविष्य में भी कॉम्पिटिशन में तो जरूर आने वाले हैं। मैडम, दूसरा सवाल आपसे है कि राजनीति में कुर्सी की लड़ाई होती है, यहाँ तो घर में ही कुर्सी की लड़ाई है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? लड़ाई कब होगी? जब दोनों एक दूसरे को अलग समझेंगे। जी, हम दोनों अपने पॉलिटिकल कैरियर एक साथ देखते, मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं समझती। प्लस ही वॉज ऑलवेज अ वेरी टॉल लीडर, उन्हें कभी इनसिक्योरिटी है नहीं, वो बॉर्न लीडर है। मैं बाय डिफॉल्ट राजनीति में आई हूँ, वो बाय नेचर बाय बर्थ इज अ लीडर। इन्होंने बहुत लोगों को ग्रूम किया है, आई एम वन ऑफ दैट। सर, राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसा कि गुजरात में हुआ वैसा ही गोवा में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी और NDA से ज़्यादा सीटें मिली, मगर सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई, कांग्रेस रह गई। गोवा का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो कैसे आप मिसमैनेजमेंट नहीं कहेंगे राजनीति का? आपको सही बात बता दूं, मैं पहले से बोला हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से शासन में आके सत्ता का जो दुरुपयोग किया है उसके बड़े उदाहरण हैं। गोवा की बात करूं, मणिपुर में भी बात करूं, उसके नॉर्थ ईस्ट के तीन स्टेट में, सभी स्टेट में उन्होंने कांग्रेस को मौका देने की बजाय उनकी छोटी पार्टी को राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो राजनीति में कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग किया है उन्होंने, मगर क्या कोई बोलने वाला है नहीं। इतना गलत शासन में करके लोकशाही का खून उन्होंने किया था। अब नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर में उनकी दो सीटें थी, हमारे 18 थी, तो भी सरकार उनकी बनती थी। गोवा में हमें चांस ही नहीं दिया गया, सारे विधायक बीजेपी। हाँ, आप समझे नहीं, मैं खुले आम कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी थी ही नहीं, छोटे राज्य हैं, कम संख्या होती है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपये का बिजनेस। आप समझते हैं राजनीति में जो पैसों का बड़ा खेल है, ये पैसों का ही बड़ा खेल है, स्पष्ट बात है। हम किसी से भी बात करें कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री पूरे पूरी खरीद लेते हैं और बाद में नई सरकार बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा किया, गोवा में ऐसा किया, अभी बहुत गंभीर बात है। आज राजनीति में ऐसी चर्चा होती तो कभी कांग्रेस को जिम्मेदार बनाया जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कर्नाटक में क्या हुआ था। कांग्रेस में, कांग्रेस की 17 सीट आगे थी, सरकार थी, 17 सीट को खरीद के उन्होंने सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में हम 21 सीट आगे थे, खरीद लिया। सबसे बड़ी गंभीर बाबत यह है, अगर मध्य प्रदेश की सरकार गिरेगी तो मुझे राजनीति से और डेमोक्रेसी से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 72 सीट है और कांग्रेस की 121, 48 सीट आगे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इतने सारे MLA खरीद के शासन पलटना चाहती है। इसका मतलब डेमोक्रेसी में कोई स्टेट में चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी स्टेट में चुनाव होगा तो कोई भी पार्टी 15 सीट 20 सीट आगे लाएगी, तो उसमें तो माहिर है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास 200 300 400 500 करोड़ खर्च के पूरी सरकार पलट देते हैं, तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? सर,
चलिए अब बात करते हैं वडोदरा शहर की। वडोदरा शहर जिन्होंने आप दोनों को राजनीतिक पहचान दी, वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है। बरसात की शुरुआत हुई है, 1-2 इंच बरसात में पानी कमर तक पहुंच गया, हमने देखा पिछली बरसात में। क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक लोगों को आपके मीडिया के थ्रू क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा जो बड़ौदा शहर का एरिया है उसमें एट प्रेजेंट खाली 3.66% एरिया में ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो पूरे शहर को बताया जा रहा है कि बड़ौदा स्मार्ट सिटी है, मूर्ख, वो लोगों को एक मूर्ख बना रहे हैं। बेसिकली वो 3.66% एरिया स्टेशन और उसके आसपास का जो एरिया है वही एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में स्मार्ट सिटी में लिया गया है। पेन सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 5 प्रोजेक्ट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। उसमें लोगों के हेल्थ कार्ड बनवाने, फ्री वाईफाई, ऐसे प्रोजेक्ट्स है। ये जो बस की सिस्टम चालू की, जो पहले भी बड़ौदा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको अभी, पहले कॉरपोरेशन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से 1 लाख रुपया मिलता था, अभी कॉरपोरेशन पर किलोमीटर सामने 17 रुपये एजेंसी को दे रहा है। तो बेसिकली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो बना है उसमें बड़े स्मार्टली भ्रष्टाचार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जन महल जो कर रहे हैं वो जन महल में 250 करोड़ रुपये की जमीन बिल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। उसे ना तो कॉरपोरेशन ने इन काइंड कंट्रीब्यूशन में स्मार्ट सिटी में दिखाया है और बेसिकली कॉरपोरेशन को तो इसमें लॉस हुआ है। पर जो प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन के बोर्ड में हंगामा क्रिएट कर सकते थे वैसे प्रोजेक्ट स्मार्टली कोई भी डिस्कशन के बिना चुपचाप एक स्मार्ट सिटी के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है, वो चुपचाप उसको अप्रूव कर रहे हैं। बेसिकली पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो 31 प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में अप्रूव किए गए थे उसमें से 19 प्रोजेक्ट अभी तक शुरू भी नहीं हुए। दूसरा सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही आपने, इतने सालों से देख रहे हैं काम, इतना दावे किए जा रहे हैं मगर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़क, तो वडोदरा शहर में जो सड़क की व्यवस्था में नहीं कहूँगा दुर्व्यवस्था कहूँगा, तो इस बारे में आप लोगों क्या कोई आंदोलन या कोई आवाज़ उठाने वाले हैं क्या? जब ये प्रेसिडेंट थे तब बड़ौदा को एक नया उपनाम मिला था, खड़ोदरा। बड़ौदा के रोड्स की हालत इतनी ख़राब थी कि उसका नाम हमने उपनाम खड़ोदरा कर दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चलिए तो साथ में मैं आपका ध्यान ये भी लोगों का आपके मीडिया के थ्रू लेके जाना चाहूँगी कि बड़ौदा एक ऐसा सिटी है जिसमें पिछले 1.5 साल से 5 लाख लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। 5 लोग शहर में गंदा पानी पी के पिछले साल उनका डेथ हुआ पानी गंदा पानी पीने की वजह से। शर्म की बात है कि जो हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं उस सिटी में हम 2 टाइम क्लीन वाटर सप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो बड़ौदा की ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 50% से ज़्यादा लाइन रिडंडेंट हो चुकी है, उन्हें फेज वाइज बदलना चाहिए था जो पिछले 25 साल में ये काम नहीं हुआ। सेम वे पीने के पानी की जो सप्लाई की लाइंस है वो भी पिछले 25 साल में रिडंडेंट होके जो उनको चेंज करनी चाहिए वो कोई काम उन्होंने हाथ पे नहीं लिया। अभी इस हालत पे हम लोग पहुँच गए हैं कि इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा क्योंकि इतनी सारी लाइनें एक साथ बदलना लिटरली इम्पॉसिबल है। उसको ठीक करते करते और 10 साल लग जाएंगे, तब तक बाकी की सारी लाइन खराब हो जाएगी। तो हम बहुत बुरी हालत में फंस गए बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड सिचुएशन। रोड की बात करें तो बड़ौदा में पिछले 10 साल से गिने चुने 3 या 4 कॉन्ट्रैक्टर्स ही रोड का काम कर रहे हैं। एक नेक्सस होता है, हर साल जो कारपेट किए हुए रोड है उसको रिकारपेटिंग किया जाता है या रिकारपेटिंग होने के तुरंत बाद उसको फिर कोई लाइन के लिए खोदा जाता है। कोई तरह का प्लानिंग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जानबूझ के टेंडर्स की साइज इतनी बड़ी की जाती है, उसमें प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऐसे किए जाते हैं कि सिर्फ वो गिने चुने उनके 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स है वो ही काम कर सकते हैं। मेरा एक अंतिम सवाल होगा रावत साहब से, थोड़ा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा सर। विश्वामित्री नदी अगर देखा जाए तो जो लाइफ लाइन हो सकती थी बड़ौदा शहर के लिए उसे गटर गंगा का उपनाम मिला हुआ है, तो क्या विश्वामित्री नदी को कभी इस उपनाम से मुक्ति मिल पाएगी? लॉकडाउन में आपने देखा कि गंगा नदी, यमुना नदी भी साफ हो गई मगर विश्वामित्री नदी का हाल ज्यों का त्यों है, तो क्या कहेंगे सर? आप जानते हैं कि विश्वामित्री के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी राजनीति की है। और सबसे बड़ी बात करूं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जब चुनाव लड़ने आए थे तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि विश्वामित्री नदी को मैं स्वच्छ नदी कर दूंगा। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और उनके आने के बाद आज 6 साल हो गए, ये नदी बहती हुई गंदी नदी है। लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चेंज आया था कि देश की सभी नदियां क्लीन हो चुकी थी। आप मही की बात करें, नर्मदा की पीने लायक पानी हो गया था, जो गंदा पानी था वो क्लीन हो चुका था मगर विश्वामित्री नदी गंदी थी। इसकी रीजन वजह क्या थी कि विश्वामित्री नदी के अंदर कॉरपोरेशन ऑफिशियली जो ड्रेनेज का पानी है वही छोड़ती है।
सबसे बड़ी गंभीर बात आपको इसके साथ में जोड़ना चाहूँगा कि जो पूरी ड्रेनेज सिस्टम है कि बड़ौदा शहर का 60% जो ड्रेनेज का पानी है वही हम ट्रीट कर सकते हैं, 40% पानी हम गंदा पानी विश्वामित्री में बहा देते हैं। ये कभी हो नहीं सकती जब तक ये पूरी ड्रेनेज लाइन का और ये हमारा जो भी शुद्धिकरण प्लांट है एसटीपी पूरे बड़ौदा शहर में नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकती। वडोदरा वासियों के नाम पे विश्वामित्री रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, विश्वामित्री रिजुनिवेशन या विश्वामित्री के नाम पे आज तारीख में कोई प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के पास नहीं है। ये लोग बातें करते हैं, फोटो छपाते हैं और लोगों के सामान्य प्रजा को पूछे कि विश्वामित्री का क्या चल रहा है तो वो बोलेंगे नहीं विश्वामित्री डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बट देर इज नो सिंगल रूपी, देर इज नो प्रोजेक्ट ऑन पेपर। महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में महिलाओं के प्रति के लिए आरक्षण की बात होती थी जो तक लागू नहीं हुआ है, मगर महिलाओं को आप क्या कहती हैं, क्योंकि राजनीति में आना हर कोई नहीं चाहता है, तो संक्षिप्त जवाब में। सी जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है कि अगर आपको अपने एम्पावरमेंट की बात करनी है, एक बाजू राजनीतिक आरक्षण की तो है जबकि महिलाएं महिलाओं के इश्यूज को रेज कर पाएगी, पर अदरवाइज ऑल्सो अपने एम्पावरमेंट के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक एजुकेशन और दूसरा आप अपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस, ये दोनों चीज़ की बगैर आपको एम्पावरमेंट इम्पॉसिबल है और ये दोनों चीज़ पे फोकस करना हर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। जो पार्टी आपके बारे में सोचे, आपको महिला आरक्षण की बात करे, आपके एम्प्लॉयमेंट की बात करे, आपके एजुकेशन के राइट्स दे, जो कांग्रेस ऑलरेडी दे चुकी है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत और आपकी जो फिक्र करे वही पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पुरुष है वो बहुत स्वार्थी होते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग दोनों हम पॉलिटिक्स में, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहूँगी, पुरुष है वो बहुत स्वार्थी है, जहाँ जब तक उनका उल्लू सीधा नहीं होगा वो लोग महिलाओं को आगे नहीं आने देंगे, बहनें ही बहनों के बारे में सोच के एक साथ आगे आ सकती है। चलिए, अमीर रावत जी ने महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा संदेश दिया, मैं रावत दंपति का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मैं हमेशा दर्शकों से कहता हूँ कि भले ही आपकी विचारधारा कोई भी हो, भले ही आपने अपनी विचारधारा की सरकार को चुना हो, मगर आप अगर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। स्वस्थ लोकतंत्र में सही रास्ता यह है कि आपको सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो आपको असली जवाब, सही जवाब मिलने बंद हो जाएंगे, सिर्फ तसल्ली मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अलग अलग मुद्दे लेके आते रहेंगे संवाद में, अगले हफ्ते हम वडोदरा की सड़कों पर एक विशेष चर्चा रखने वाले हैं, संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।